बेशरम रंग गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के भगवा परिधान को लेकर मुंबई में केस दर्ज किया गया। साकीनाका पुलिस से शिकायतकर्ता ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जालौन में कुछ लोगों ने एक आदमी को पीटा। गर्भवती पत्नी को पीटने के आरोप में आदमी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक आदमी से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। थाने के बाहर आदमी पर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी। तेलंगाना के बांगरल में बदमाश घर के बाहर से क्रेन के जरिए कार लेकर के फरार हो गए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तर प्रदेश के औरैया में महिला का अनोखा विरोध। ससुराल वालों की मारपीट से गुस्साई महिला ने थाने में बांधी भैंस और बकरी। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से लोगों को नहीं मिल पा रही है राहत। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 के पार। रूस के मिसाइल हमले का असर यूक्रेन के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। खार्किव में भी बिजली संकट पैदा हो चुका है। कीव पर रूस के मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया है। दावा यह किया गया कि कुछ ही घंटों में रूस ने कीव के ऊपर 70 से ज्यादा मिसाइल दागी है। हमले में 2 लोगों की मौत का दावा। रूस ने कीव के रिहायशी इलाके में भी मिसाइल दागी जिसमें कई इमारत पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। रूस के मिसाइल अटैक के बाद कीव में दहशत देखने को मिल रही है। खुद को बचाने के लिए लोग पूरे परिवार के साथ मेट्रो स्टेशन में छिप गए। यूक्रेन की सेना का दावा, रूस ने कीव के पास कई इलाकों में 76 से ज्यादा मिसाइल दागी है। 60 मिसाइलों को यूक्रेन की फौज ने तबाह किया। रूस के हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। क्राइमिया इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। अमेरिका के लुइजियाना में मैक्सिको की खाड़ी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर के समंदर में जा गिरा जिसकी वजह से उसमें मौजूद कई लोग समंदर में डूब गए। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में भारी बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहां पर पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होटल में दरवाजे पर लगा 16 मीटर एक्वेरियम फट गया। एक्वेरियम फटने की वजह से होटल में भरा पानी। अमेरिका के एक शहर में जंगल से बाहर निकल करके आए भालू ने घर से उठाया क्रिसमस गिफ्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने एक कार्यक्रम में डांस फ्लोर पर मचाया धूम। गाने की धुन पर लोगों संग झूमते दिखाई दिए प्रिंस चार्ल्स। और चलिए आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं धमाकेदार 50 में। तवांग में एलएसी के पास पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। यांगसे इलाके में जवानों के साथ तस्वीर की ट्वीट। कैप्शन में लिखा जवानों की मौजूदगी में तवांग का यांगसे इलाका पूरी तरह सुरक्षित। तवांग मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा झूठ बोलकर लंबे वक्त तक राजनीति नहीं की जा सकती है। हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया।